सीता की मधुर रसोई में आपका स्वागत है। चलिए हम आज नई रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम सूजी की इडली बनाने जा रहे हैं और इसके लिए ये सामग्री की जरूरत है। देखिए ये रवा है और उसके लिए चटनी बनाऊंगी। करके 10 मिनट रख देते हैं। अभी हम चटनी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए देखिए नारियल है, गीला नारियल है और ये सिंगदाना है और अदरक, हरी मिर्ची और लहसुन और ये थोड़ा सा भुना हुआ चना छिलका निकाल और धनिया निकाल मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके पीस लेते हैं और थोड़ा सा नमक डाल देते हैं पीसते समय, थोड़ा डाल देते हैं और पीस लेते हैं। देखिए हमारा ये चटनी मटेरियल तैयार हो गया है। अब इसके लिए मैं पूरी तैयार कर रही हूँ। ये थोड़ा तेल डाल देते हैं। तेल हमारा गर्म हो जाए तो हम राई के दाने डाल देंगे। पट करने लगेगा और जीरा डाल देते हैं। अभी पट करने लगेगा तो कड़ी पत्ता डालेंगे। और इसमें से थोड़ा समय निकाल के अपने जो इडली का डो तैयार है उसमें थोड़ा सा डाल देते हैं, थोड़ा। और इसमें अभी हम ये अपना चटनी का मटेरियल डाल उसको पानी डाल देंगे। बर्तन है इसमें पानी मैंने डाल दिया और गैस पे रख देती हूँ और ढक देती हूँ और इधर मैं ग्रीस कर लेती हूँ तेल लगा कर। ऑयल से ग्रीस कर लेती हूँ सांचे में। ये 10 मिनट हो गया है, हम इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेते हैं। अभी हम थोड़ा सा खाने का सोडे डालते हैं और इसके ऊपर थोड़ा पानी डाल देते हैं। हमारा नींबू के जैसा ही काम करता है और इसको थोड़ा फेंट देते हैं, ज़्यादा नहीं फेंटेंगे क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट हो गया है, फ्लफी हो गया है। हमारा ऐसा बैटर होना चाहिए, बैटर मेरा ऐसा होना चाहिए। अभी इडली के बर्तन में हम रखते हैं, पानी हमारा उबल रहा है इसमें ऐसे डाल देते हैं। आइए हम इडली चेक कर लेते हैं। इडली हमारा बहुत ही अच्छा पक्के हो गया, तैयार हो गया है। इसको उतार देते हैं, बहुत ही अच्छा हुआ है, सॉफ्ट हुआ है।
भुगा भुगा है और उसको साइड से ये चम्मच के सहारे हम थोड़ा अभी अभी हमारा इडली ना देख कितना सॉफ्ट हो गया है और कितना फुगा है ये देखिए अच्छे से। इसी तरह हम ये सब सारे इडली को निकाल लेते हैं। कितना अच्छा इडली है ना फुगा फुगा कलर की इडली बना रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल दिए इसको मैं इसमें रख दिया। इसी तरह रख देते हैं सब व्यवस्था में। देखिए हमारा इडली बन के तैयार हो गया है। सूजी की इडली है बहुत कलरफुल मैं बनाई हूँ दो कलर मिक्स करके इसी विधि से बनाइए और खाइए। और जो हमारे चैनल पे नए आए हैं उसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और आगे बढ़िए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू।